सबक वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान सामने आया है। परवेज मुशरफ को फोन और उसकी क्यादत से मुल्क वापस बुलाकर दुरुस्त फैसला किया। नवाज शरीफ के पास फैसले की हिमायत के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शेख रशीद का यह कहना था, पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स के खिलाफ नवाज शरीफ ने लड़ाई लड़ी, सियासी बहरान पैदा किया और मतलब पड़ने पर उनके आगे घुटने टेके। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने खिलाफ केसेस खत्म करना है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा आईएमएफ की महंगाई मुसलत करना है। आलमी साजिश की अदम एतमाद तहरीक की शुरुआत भी लंदन से हुई। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? शेख रशीद की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उनके जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की जानिब से परवेज मुशर्रफ के वतन वापसी पर जो बयान सामने आया है वो उनके मतलब पढ़ने पर बयान सामने आया है। इससे पहले भी नवाज शरीफ ने जितने भी आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और मतलब पढ़ने पर उनके सामने घुटने टेक दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।